नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा आपके लिए लेकर आया हूं जिला रूपनगर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। और यह ब्रेकिंग है बहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, जिसे आज दोपहर लगभग 2:20 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उपरांत रूपनगर पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब की रूपनगर जेल से भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के लिए लेकर रवाना हो गई और 100 से भी अधिक यूपी पुलिस के अधिकारी व सुरक्षा कर्मचारियों की गाड़ियों का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हुआ। इससे पहले सभी तरह की कागजी कार्रवाई पूरी की गई थी। बहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एक विशेष एम्बुलेंस में ले जाया गया है, जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद होगी। पहले मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को देखते हुए उसे उड़न खटोले में यूपी तक ले जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बाद में पहले से ही तय सड़क मार्ग से यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हो गई। इस मौके पर जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अखिल चौधरी ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जिला पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देशों के तहत मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है। अब आगे की जिम्मेदारी यूपी पुलिस की होगी। सुने क्या कहा जिला पुलिस प्रमुख रूपनगर डॉक्टर अखिल चौधरी ने। पंजाब पुलिस के कमांडो साथ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर। एक मिनट प्लीज 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 सर 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 को बता दो कि पंजाब बॉर्डर तक इनको एस्कॉर्ट दी जाएगी यूपी पुलिस को। अभी तक इन्फॉर्मेशन पुलिस की टीम आई है, दे आर हैविंग देयर ओन कार। जी जी जी, उसके हिसाब से उनके ऑफिसर इंचार्ज अपना डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी हाँ, एक बार फिर बता दे आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उपरांत बहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को और पंजाब की रूपनगर जेल से भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच यूपी पुलिस बांदा जेल के लिए लेकर रवाना हो चुकी है। 100 से भी अधिक यूपी पुलिस के अधिकारी व सुरक्षा कर्मियों का काफिला विभिन्न गाड़ियों में लेकर रवाना हुआ। इससे पहले सभी तरह की कागजी कार्रवाई पूरी की गई थी। बहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एक विशेष एम्बुलेंस में ले जाया गया है, जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद होगी। पहले मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को देखते हुए उसे उड़न खटोले में यूपी तक पहुंचाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बाद में पहले से ही तय सड़क मार्ग से यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हो गई। चल के लिए रूपनगर से तेजेंद्र सिंह के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।